अंबेडकर सर्किल के सौंदर्यकरण को लेकर प्रशासन द्वारा शमशान विकास समिति को ये सर्किल गोद दिया गया था। वहीं शमशान विकास समिति ने नगर परिषद के सहयोग से सर्किल पर सौंदर्यकरण का कार्य शुरू कर दिया है। सर्किल पर विभिन्न किस्म के पौधे लगाए गए हैं तो सर्किल के चारों तरफ तारबंदी के साथ आकर्षक विद्युत पोल और लाइटें लगाई जा रही हैं। मोक्षधाम शमशान घाट चौटन रोड बाड़मेर में शमशान विकास समिति बाड़मेर द्वारा शहर में विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। समिति द्वारा अंबेडकर सर्किल को गोद लेने के बाद से यहां विकास के कई कार्यों को संपादित करवाया जा रहा है। साथ ही वर्तमान में मोक्षधाम स्थित संत रविदास उद्यान में संत रविदास सर्किल का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें भामाशाह बाबूलाल पुत्र लेखूराम मौसलपुरिया द्वारा संत रविदास की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का अनावरण व सर्किल का लोकार्पण संत रविदास 644वीं जयंती महोत्सव 27 फरवरी 2021 को किया जाएगा। शमशान में समिति संस्थापक भूषण जैन की सोच के अनुसार 25 फुट ऊंची शिव प्रतिमा लगाने की भामाशाह ईश्वरचंद नवल द्वारा घोषणा की गई है। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। आने वाले लोगों को अच्छी सुविधा मिले, भ्रमण करने वाले लोगों को अच्छा पार्क, खुशहाल स्थिति पर्यटन, इसके लिए भी समिति हमेशा प्रयास करती रहती है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। विकास समिति ने 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस पर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा, नगर परिषद सभापति दीपक माली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समारोह समिति के संयोजक सुरेश जाटोल के आग्रह पर समिति ने कार्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ समय बाद का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अंबेडकर सर्किल पर सघन पौधरोपण किया गया है। सर्किल में मनभावन फूलों के पौधे लगाए गए हैं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की दूब लगाई गई है। सर्किल को चारों तरफ से लोहे की जाली लगाकर सुरक्षित किया जा रहा है। शमशान विकास समिति पर जिला प्रशासन ने जिस विश्वास के साथ यह सर्किल गोद दिया है उसी के मुताबिक कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 26 नवंबर 2020 को यहाँ संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। माननीय जिला कलेक्टर विश्राम जी मीणा और सभापति दीपक जी माली ने शमशान विकास समिति आग्रह किया कि ये अंबेडकर सर्किल का सौंदर्यकरण करने के लिए इसको आप गोद दिया जाता है। तो मामा भवानी सिंह के नेतृत्व में शमशान विकास समिति ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौराया टोटन रोड को गोद लिया। उसी टाइम से यहाँ काम हमने चालू कर दिया है। यहाँ कम काल में यहाँ दोब लगा दी गई है, 250 पौधे लगा दिए गए हैं और 14 अप्रैल 2021 जब बाबा साहब की जयंती आएगी उससे पूर्व इस चौराहे को सौंदर्यकरण और विकास और अति सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और घास और पौधों के अलावा और क्या कार्य किए जाए, यहाँ आने वाले टाइम में सौंदर्यकरण के लिए गोल्ड कलर के 4 पोल सौंदर्यकरण के लिए लगाए जाएंगे और भी लाइटों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ ये बाड़मेर का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ से आने वाले लोगों को दिखे हृदय स्थल है ये बाड़मेर शहर का, इसलिए इस चौराहे का अति सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति के मुताबिक 14 अप्रैल 2021 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में इस सर्किल पर आने वाले लोगों को इस बार नया नजारा दिखेगा। शमशान विकास समिति बाड़मेर के संयोजक भैरू सिंह फुलवारिया और मुख्य व्यवस्थापक मामा भवानी सिंह शेखावत पूरे कार्य की प्रभारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं यहाँ जल्द ही नवनिर्माण के नवीन आधार देखने को मिलेंगे।